इधर बहन जी रवाना हो चुकी हैं और काफ़ी महिलाएं हैं जो माता के समान हैं, बुढ़ी हैं, और इनसे भी बात करेंगे। मायावती जी को देखने आए थे और मायावती जी को आप लोग देख पाई दादी? कैसी थी मायावती जी? देखी नहीं पावर राज के देखा। अच्छा, कितना जो है लगाव है बहन जी से जो देखने आए थे आप लोग? देखे। अच्छा, वोट किसको देंगे? बहन जी नहीं वोटिए भाई, तो भागत ही आई यही ना, और क्या खबर आई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उर्मिला है, ताड़ी गुलहरिया के रहने वाले हैं। हम यही सोचते हैं जैसे हमारी बहन माया जी से मायावती थी, हमारी मायावती बहन जी थी, वैसे वैसे हमारी सरकार वैसे आए। हम यही बच्चों से हमारे पढ़ाई लिखाई सब भी बेकार हो रही है। इधर महिलाएं भी जो है योगी सरकार से नाराज हैं। क्या कहेंगी माता जी, आप क्या कहेंगी, किसकी सरकार बनाएंगी? मायावती की। मायावती की, हाँ। चलिए, इधर काफी महिलाएं थी, दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे। युवा हैं, नीले रंग के पहने, बड़े तेज तर्रार दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम अंकित कुमार आजाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। क्या भीम आर्मी भी समर्थन दे रही है क्या बसपा को? भीम आर्मी पूरे जमीनी स्तर में उतर कर बहन जी के लिए काम करेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन ही रहेगा। इधर जो है बहन जी आई थी, इधर भीम आर्मी वाले भी देखने चले आए थे और क्या, जो बुराई करते हैं और वो समर्थन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बहन जी के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता है, अन्यथा किसी दलाल पार्टी को नहीं, बहुजन समाज पार्टी का। हम भीम आर्मी का सम्मान करते हैं, भीम आर्मी पार्टी का नहीं समर्थन करते। बहन जी का हम बहन जी के साथ मरते हैं। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर भाई एक समाज के लिए काम करते हैं तो उनके साथ है, बसरते हम बहन जी के सपोर्ट में है और वोट बहन जी को ही करेंगे। वो सामाजिक खड़े हुए हैं नहीं, वो आजाद समाज पार्टी अलग है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। योगी जी के खिलाफ खड़े हैं क्या? जीत पाएंगे? अवश्य जीतेंगे, वहाँ पे पूरे दलित लोग सब जी उनको वोट करेंगे और जीतेंगे भी। वहाँ से योगी को हराने के लिए कुल मिला के कहते हैं कि युवा हमारे साथ है, बसपा के साथ नहीं है। नहीं, युवा आज भी बसपा के साथ है, ये गलत बात है। चंद्रशेखर भाई जो ये कहते हैं वो तो अभी न्यूज में कभी ऐसे बोले नहीं चंद्रशेखर भाई की बीएसपी के सपोर्ट में, बीएसपी गलत है। और वोट जो करेंगे बीएसपी में ही करेंगे, जो पब्लिक है वो बीएसपी के ही सपोर्ट में है। जो भी सीट जीत के आएंगे, यहाँ पे भीम आर्मी के लोग जो है मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हम भीम आर्मी के हैं लेकिन बसपा को वोट देंगे, क्या कहेंगे साहब? ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आप मीडिया वाले हैं, ये बोलिए, हमने जब से शुरू किया, ये जब से राज चला, तो इसके पहले किसी सरकार बनी, हमारी सरकार बनी थी ना, और उसके बाद सपा बनी, फिर भाजपा बनी है, तो हम फूलपुर से आए हुए हैं, रामतुल्लन यादव के यहाँ, तो हमको क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि ना हम लोग जीत पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं इस सरकार में, तो ऐसे चातरंग की चाहिए। ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे योगी सरकार को? ऐसे उखाड़ फेंकेंगे जैसे फेंकना चाहिए। कैसे उखाड़ के फेंके? एक बार फेंकी नहीं थी, दोबारा 6 महीने के शासनकाल में उन्होंने मारे सारे गुंडों को बंद कर दी। हाँ, इसीलिए कहा जाता है धर गुंडन के छाती पे बर्दन की हाथी पे, ये है हमारा नारा। सर, बहुजन समाज कम बोलना जानता है लेकिन जो बोलता है ना एकदम चीर फाड़ के रख देता है। बोलने का मतलब हम लोग बोलते काम है। देखिए, भीम आर्मी शांत रहो यार, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया।